उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, तराना विधायक महेश परमार एवं घटिया विधायक रामलाल मालवीय द्वारा आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे गए हैं। इसी के विरोध में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने देवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, शैलेंद्र सिंह झाला, दीपेंद्र सिंह राला मंडल, भगत सिंह, नरेंद्र सिंह लोहाना, अमित सिंह नवानिया मौजूद थे। जानकारी श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के नगर अध्यक्ष अजय सिंह परिहार द्वारा दी गई। आपने आज देवास में प्रेस वार्ता रखी है, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने आज देवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान में भारत सरकार के जितने भी सांसद है और देश के जितने भी विधायक SC ST वर्ग के आते हैं, वो लोग आरक्षण को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए कि सरकार को पत्र लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हाल ही में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, वहीं के दो विधायक महेश परमार और रामलाल मालवीय के कुछ पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं जो पहुँचे हैं, जिसके कारण से राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने पूरे प्रदेश में विरोध करने की शुरुआत की है। इसी कड़ी में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाली 24 उपचुनाव जो बाकी है मध्य प्रदेश में, उस पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व या जहाँ से भी जो लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे, जो भी विधायक के उम्मीदवार वहाँ खड़े होंगे, कर्णी सेना उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और नौवीं अनुसूची पर उनका मत मांगेगी कि आप लोग देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हो या आप लोग सभी वर्गों को साथ लेकर देश हित की बात करना है। ये पत्र की पुष्टि कैसे हुई? ये पत्र उन्हीं के, पत्र उन्हीं के हैं, आप लोग उनसे पूछे सवाल के पत्र आपके हैं नहीं, वो जवाब दे, हम लोग तैयार है। अगर वो इस बात से नकारते हैं कि पत्र हमारे नहीं है, फर्जी है, तो हम लोग मानने को तैयार हैं। में इसको लेकर कुछ हुआ उज्जैन में? उज्जैन में लगातार सभी तहसीलों और गांवों में पुतला दहन उन लोगों का हो रहा है और जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध तेज हो रहा है और आगे विरोध और तेज होगा। उनका मत न मिलने पर फिर आप आगे क्या करेंगे? हमारा विरोध जारी है, हम जब तक उनको घेरेंगे, उनके घर जाकर घेरेंगे, सांसद विधायक सबको घेरना है, उनका मत देना पड़ेगा कि आपके साथ आपने जो किया वो सही है या गलत है। अभी तक मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा लोग लेटर दे चुके हैं, लेकिन ये चीज ओपन होने के बाद बहुत सारे लोग अब डरने लग गए हैं कि हम लोग इस विषय को न छुए। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भी यही चाहती है कि आरक्षण की समीक्षा और सभी को समान अधिकार। सांसदों ने पत्र लिखे, उनका विरोध होगा कि अन्य सांसदों का विरोध? सभी का होगा, सभी सांसद से हम मत पूछेंगे। हाल ही में आपके कल महेंद्र सिंह सोलंकी का भी हमारी टीम ने सोनकच्छ में विरोध किया था, हाट टुकड़े साथ गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं हर हिंदू वर्ग के साथ हूँ, तो हम लोगों को जवाब चाहिए, मैंने कोई लेटर लिख के नहीं दिया, तो हम तैयार है साहब, हमने कोई लेटर नहीं दिया, जब हमारे पास में उनका लेटर आ जाएगा तब उस तरीके से बात करेंगे। अभी वहाँ उज्जैन सांसद का जो बता रहे हैं, उनको अवगत करा दिया गया है इस चीज़ों से? उनको अवगत करा चुका है, उनके पुतले दहन हर गांव हर शहर में हो रहे हैं और मीडिया न्यूज़ भी सारी बन चुकी है, और विरोध जब पीक होगा तो अपने आप पता चल जाएगा उनको कि साहब हम लोगों ने क्या किया है। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। शैलेंद्र सिंह झाला, प्रदेश संगठन मंत्री, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना।